अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज हम आपके साथ होममेड नगेट्स की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत इजीली ये बन जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, स्पेशली लंच बॉक्सेस के लिए। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बना के रखें बच्चों के लिए। एक किलो हमने बोनलेस ले ली है, आप चाहें तो आप थाई की बोनलेस ले लें, आप चाहें तो आप चेस्ट की ले लें, जो भी आपको मुनासिब लगे। एक टेबल स्पून सोया सॉस, एक टेबल स्पून चिली सॉस हमने ले ली है। दो स्लाइसेस हमने फ्रेश ब्रेड की ले ली हैं और इसकी साइड्स हमने काट ली हैं। दो अदद हमने अंडे लिए हैं, एक हम नगेट्स में यूज़ करेंगे और एक हम कोटिंग में यूज़ करेंगे। तीन से चार टेबलस्पून हमने मिल्क का लिया है रूम टेम्परेचर पर। मसालों में हम यूज़ कर रहे हैं काली मिर्च पाउडर एक टेबलस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर एक टीस्पून, नमक एक टेबलस्पून, चिकन पाउडर एक टीस्पून, पेपरिका पाउडर एक टीस्पून और लहसुन पाउडर एक टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन के दो तीन जवे इसमें ऐड कर सकते हैं। कोटिंग के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो कुछ इस तरह से है। मैदा हमने ले लिया है 2 कप और 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया है। मैदे में हम शामिल करेंगे आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून सफ़ेद मिर्च, आधी टीस्पून काली मिर्च और आधी टीस्पून लहसुन पाउडर। ब्रेड क्रम्स हमने ले लिए हैं 1 से 1.5 कप, ये हमने होममेड बनाए हैं। 4 से 5 स्लाइसेस के ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये इंशाल्लाह हम आपको जल्दी प्रिपेयर करना सिखाएंगे। बहुत इजीली ये घर में प्रिपेयर हो जाते हैं और ये हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। मार्केट वाले जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं आपकी हेल्थ के लिए। ब्रेड क्रम्स के लिए हम ले रहे हैं आधी टीस्पून पेपरिका पाउडर और आधी टीस्पून नमक। ऑयल हमने ले लिया है 3 से 4 टेबलस्पून, जो हम अपने हाथों पर यूज़ करेंगे बाइंडिंग के लिए नगेट्स की। ब्रेड्स जो 2 पीसेस हमने रखे थे उसको हम तोड़ के किसी बाउल या किसी प्लेट में ऐड कर देंगे और इसे हम मिल्क में सोक कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून जो हमने मिल्क लिया था उसमें अच्छी तरह से हम ब्रेड को सोक कर देंगे 5 से 8 मिनट के लिए। अच्छी तरह से इसको मिल्क के साथ मिक्स कर दें और इसे साइड पर रख दें 3 से 4 मिनट के लिए। एक चॉपर ले लेंगे अपना, उसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन का जो पानी था वो हमने डिस्कार्ड कर दिया। सारे मसाले जो हमने निकाल के रखे थे चिकन के लिए वो सारे हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम अच्छी तरह से इसको चॉप कर लेंगे। जब ये आधा हो जाए तो जो ब्रेड हमने मिल्क के साथ सोक करके रखी थी हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। सोया सॉस, चिली सॉस, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में ले आना है इसको। साथ में हम इसमें अंडा भी शामिल कर रहे हैं ताकि वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है नगेट्स का। इस फॉर्म में आप इसको ले आएंगे, थोड़ा सा स्टिकी होगा इसलिए हम ऑयल यूज़ करेंगे इसको बाइंड करने के लिए। जो हमारा मिक्सचर हमने रेडी किया है चिकन का मसालों के साथ और ब्रेड के साथ उसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। अब हम अपना कोटिंग का मिक्सचर तैयार करें। एक बाउल में हमने मैदा ऐड कर लिया है 2 कप मैदा जो हमने लिया था, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर उसमें हमने ऐड कर दिया है और जो मैदे के लिए हमने मसाले रखे थे नमक, सफ़ेद मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर और काली मिर्च आधी आधी चमची वो इसमें हम डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। अब इसे हम साइड पर रख देंगे। अब हम अपने ब्रेड क्रम्स ले रहे हैं। ब्रेड क्रम्स में जो नमक और पेपरिका पाउडर आधी आधी मिर्च चमची हमने निकाली थी वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे भी हम साइड पर रख देंगे।
अब एक छोटा सा बाउल लेके उसमें हम अपना अंडा ऐड कर रहे हैं, एक अदद अंडा जो हमने कोटिंग के लिए रखा था। इस अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हमारी कोटिंग का मटेरियल भी रेडी है, आए हम नगेट्स प्रिपेयर करें। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अंडा, ये हमारा मैदे का मिक्सचर और ये ब्रेड क्रम्स। ट्रे जिस पे हम नगेट्स रखेंगे उसको हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये इस पे स्टिक ना हो जाए। नगेट्स को आप आराम से फ्रीज़र में भी एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। हाथों पे हम ऑयल लगा रहे हैं, इससे जो मसाला है चिकन का वो आपके हाथों पे स्टिक नहीं होगा। ओवल सा शेप बना के जैसे नगेट्स आते हैं, आप चाहें तो आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास किसी तरह के कटर मौजूद हो तो आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम मैदे में इसको डिप कर लेंगे, अच्छी तरह से मैदे से इसको कोट कर लेंगे, उसके बाद इसको अंडे में डिप कर लेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स पे। हमारा तरीका ये होता है कि हम पहले नगेट्स बना के सबको मैदे में से डिप करके उनको साइड पे रख देते हैं, उसके बाद नगेट्स को अंडों में से डिप करते हुए ब्रेड क्रम में से डिप कर लेते हैं। इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। कि आप देख सकते हैं कि आपको शेप जो है वो किस तरह से बनाना है। इसी तरह आप सारे नगेट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने सारे नगेट्स को शेप में बना लिया है पहले, उसके बाद सबको मैदे में से कोट कर लिया है, उसके बाद जो है हमने सबको अंडे में से डिप करके और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। इस तरह हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि एक एक को पहले शेप में लाना फिर उसे मैदे में से डिप करना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये हमारे नगेट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। फ्राई करने से पहले तकरीबन 30 मिनट हम इन्हें रेफ्रिजरेट करेंगे। ये हम फ्राई कर लेंगे और ये हमने जो है वो फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए रखे हैं। एक महीने तक आप इनको आराम से स्टोर कर सकते हैं। फ़िलहाल हम 30 मिनट इन्हें फ्रिज में रख के उसके बाद फ्राई कर लेंगे। पैन खुले मुँह वाला हम ले लेंगे, उसमें आपको जितना ऑयल फ्राइंग के लिए चाहिए आप ऐड कर लें। डीप फ्राई होंगे ये, अच्छी तरह से हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा पीस डाल के आप चेक कर लें, ऑयल जब बिल्कुल गर्म हो जाए तब इसमें आप अपने नगेट्स ऐड करेंगे। तेज़ गर्म ऑयल में नगेट्स ऐड करने के बाद आप अपनी फ्लेम जो है वो थोड़ी सी लो कर लेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। चार से पाँच मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, इन्होंने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छी तरह से इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर में ले आना है। बड़े अच्छे, बड़े मज़े के ये बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जूसी। ये हमारे नगेट्स जो हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम टॉवल टिश्यू पे निकाल रहे हैं ताकि एक्सेस ऑयल जो भी है इनमें वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।